हेलो एवरीवन, पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आपकी दिवाली अच्छी जा रही होगी। तो आज हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसी के साथ हम एक मिठाई खाना तो बनता है। तो आज हम एक मिठाई बनाने वाले हैं जो ट्रेडिशनल मिठाई है और थोड़ी सी ट्रिकी है बनाने में, बट उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। और आप ये लक्ष्मी पूजन के टाइम आप जब रखते हैं सारी चीज़ें, सारी मिठाइयाँ, तब आप ये मिठाई भी फ्रेश ताज़ी बना के रख सकते हैं। वेरी इजी टू मेक। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑफ घी लिया है। तो सबसे पहले मैं वो घी डाल रही हूँ। हमने ऑब्वियसली हमारा सबसे प्योर अमूल घी लिया है। और हम जब घर पे मिठाई बनाते हैं तो हम लोग कुछ उसमें मिलावट या फिर कुछ नहीं डालते, सब प्योर बनता है। तो टेस्ट भी उसकी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अब ये देख सकते हैं किस तरह से सजाया है, बहुत सारे मिठाइयाँ, फल। मेरी तो सबसे फेवरेट काजू कतली है। और ये भी मिठाई जो मैं अभी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मिल्क बर्फी, और इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। देखिए, मेरा घी गरम हो गया है। मैंने 1/4 कप ऑफ घी लिया था और उसमें अब मैं मिल्क डालने वाली हूँ। ये देखिए, थैंक दीपिका जी आपको हैप्पी दिवाली विश कर रही है अलॉन्ग विथ योर फैमिली। यू दीपिका जी, विशिंग यू द सेम। और ये देखिए, मैंने 1/2 कप दूध लिया है, 1/4 कप घी, 1/2 कप दूध। आनियन जी आपको हाय बोल रहे हैं। हेलो, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सेफ रहिए। मैं धीरे धीरे और थोड़ा सा मिल्क डाल रही हूँ। हमें इसको होने देना है। बहुत ही रिच ये है मिठाई। हम इसे आराम आराम से होने देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ये देखिए, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं लगता, जो नॉर्मल घी, दूध, ये सब हमारे घर पे होता ही है, नथिंग एक्स्ट्रा। इसको धीरे धीरे होने देंगे। अब देखिए, मैंने ये लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने 2 कप लिया है। तो मिल्क पाउडर से एक तो रिचनेस बढ़ेगी इसकी, और वो जो टेक्सचर हमें चाहिए वो भी मिलेगा। तो ये देखिए, मैंने अमूल की मिल्क पाउडर ली है, तो मैं इसे धीरे धीरे डालूंगी। एक कप डाल दी, ये दूसरी कप। देखिए, हमें इसमें कोई लम्स नहीं चाहिए, तो हम इसे हिलाते रहेंगे आराम आराम से। हमें एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए।
आप सबका फेवरेट स्नैक या फिर आप सबकी कौन सी फेवरेट मिठाई है आप ज़रूर बताइए। ये देखिए, अब इसमें लम्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे हम लोग इसको। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें हम पिस्ता और बादाम भी डालेंगे ऊपर वाली लेयर में। अब बीच वाले इसमें भी डालेंगे हम, ये जो मिक्सचर है उसमें भी हम लोग बाद में डालेंगे, मैंने उसको कट कर लिया है। हेलो मैम, एंड व्हाट आर यू मेकिंग? हेलो बल्केश जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंड मैं बना रही हूँ आज मिल्क बर्फी। तो सबसे पहले मैंने घी लिया है 1/4 कप, और उसमें मैंने हाफ कप मिल्क डाला है, और मैंने 2 कप हमारा जो अमूल का जो मिल्क पाउडर है वो डाला है। तो अब मैं इसको हिला रही हूँ जब तक सारे उसकी कंसिस्टेंसी हो ना जाए। सुजीत जी इज सेइंग हेलो एंड मीर जी इज सेइंग हैप्पी दिवाली। हेलो सुजीत जी, हेलो मीर जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। दीपिका जी इज सेइंग ड्यूरिंग फेस्टिवल स्वीट्स तो चलते ही है, बट आई एम मोर ऑन सेवरी साइड। आई अग्री दीपिका जी, हम लोग सेवरी तो, लेकिन बहुत और भी ऑप्शंस है, हम लोग रोज़ ही बनाते हैं। तो आज तो हमारी दिवाली थी, तो आए चोस की कोई ट्रेडिशनल इंडियन मिठाई दिखाई जाए, क्योंकि हमारा कल्चर जो है उसमें मिठाइयाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर कल्चर। तो इसलिए मैंने एक मिठाई चूज़ की, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत ज़्यादा भी मीठी नहीं है। सो जिनको बहुत स्वीट नहीं पसंद, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद, तो उनको भी बहुत पसंद आएगा, ये बैलेंस है एकदम। देखिए, को इसको हिलाते रहना है। दीपिका जी बोल रही है, आई लाइक योर चॉकलेट ट्रफल रेसिपी, विल ट्राई इन अ डे और टू। थैंक यू सो मच दीपिका जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मुझे डार्क चॉकलेट एक तो पसंद है, एंड ऑल्सो कॉफ़ी भी पसंद है। तो मैंने जहाँ नीचे जब कॉफ़ी डाली थी उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। देखिए हम सारे साइड से उसको, देखिए ये हो रहा है। अब मैं पाउडर्ड शुगर डालती हूँ इसमें। देखिए मैंने पाउडर्ड शुगर 1/2 कप ली है, थोड़ा सा और होने देंगे हम लोग इसको आराम से। ये जो है इस तरह का नहीं, थोड़ा सा और ड्राई होना चाहिए। मैं थोड़ी फ्लेम थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा देती हूँ। मिठाई यानी थोड़ा पेशेंस और थोड़ा ट्रिकी वाला काम है, तो हमको आराम आराम से करना है।
देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से हो रही है। बालकेश जी कह रहे हैं कि आप बहुत यंग हैं बट स्टिल यू आर वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग। थैंक यू सो मच बालकेश जी, दिस रियली मीन्स अ लॉट। एंड यस, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है एंड आई रियली लव कुकिंग। तो यस, मैं बहुत पहले से बनाती हूँ एंड मज़ा आता है कुकिंग में। देखिए अभी थोड़ा धीरे 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 थोड़ा थिक हो रहा है, देखिए। अब इसमें मैं पाउडर्ड शुगर डालती हूँ थोड़ी सी, और फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके डालूँगी मैं। ये मैंने लिया है 1/2 कप। मैं डाल देती हूँ पूरी। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और चेंज होगी शुगर डालने के बाद। इसको थोड़ा हल्का हल्का, हमें जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए इसी हिसाब से हम लोग करेंगे। मिठाइयाँ बनाना थोड़ा ट्रिकी है बट वर्थ इट है, क्योंकि घर पे जो मिठाइयाँ बनती है उसका कंपैरिजन ही नहीं है बाहर के मिठाइयों से। ये धीरे धीरे देखिए अब थिक हो रही है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से कंसिस्टेंसी हो रही है इसकी, परफेक्ट जैसे हमें चाहिए। देखिए मैंने चॉप्ड आलमंड्स, चॉप्ड बादाम लिए हैं। आप थोड़े पिस्ता भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी, मैं थोड़े अभी डाली हूँ इसमें, और मैं सर्विंग के लिए ऊपर से और डालूंगी। लवली, इसका अरोमा एकदम घी वाला और फ्रेश प्योर आ रहा है। देखिए अब मैंने ये वनीला एसेंस लिया है, ये परफेक्टली ऑप्शनल है एंड
मुझे वनीला का फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें, हाफ टी स्पून। आप इसमें बाकी और भी कोई डाल सकते हैं आपको जो इसेंस पसंद है। वाह ये देखिए जैसे ही मैंने डाला वेनिला का बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस अरोमा आ गया। देखिए अब धीरे धीरे हो रहा है ये इसकी कंसिस्टेंसी। थोड़ा सेट होने के लिए टाइम लगता है तो अगर आप थोड़ा अगर आपको पहले से बनाना है तो आप थोड़ा पहले ही से बना के रख दीजिए, कोई गेस्ट आ रहे होंगे तो। इसको सेट होने में थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगता है। हमारी जो मिल्क पाउडर है उससे परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब देखिए मैंने एक ट्रे को ग्रीस करके रखा है, यहाँ पे बटर पेपर देखिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बटर पेपर में मैंने लगा लिया और ऊपर से थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब घी या फिर बटर कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बोलूँगी कि अब घी लगाइए अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए अब मैंने इस कंसिस्टेंसी पे गैस बंद कर दिया है। अमेजिंग। अब मैं इसको इसमें इस ट्रे में निकाल देती हूँ। दीपिका जी बोल रही है, यस दे आर फैमिली ऑफ शेफ्स, मोर पावर टू यू ऑल, लव रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। थैंक यू सो मच दीपिका जी, आप हमेशा इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। एंड यस वी ऑल लव कुकिंग, हमारी फैमिली में वी ऑल लव कुकिंग। एंड अच्छा लगता है अमूल के साथ नई नई चीज़ें दिखाने को। तो देखिए मैं इस तरह से इसको आराम से ये कर लेती हूँ। इवनली स्प्रेड। ये देखिए इस तरह से हमको थोड़ा गर्म है इसलिए मैंने कपड़ा ले लिया है।
इस तरह से इवनली हमको इसे स्प्रेड करना है। एंड ये होने के बाद देखिए, मैंने चॉप्ड आलमंड्स, चॉप्ड बादाम और पिस्ताचिओ लिए है, तो हम लोग वो डालेंगे। ये चॉप्ड आलमंड्स और हमारे पिस्ता डल गए हैं। अब इसे हम लोग 1 या 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे, उसको सेट होने देंगे। इसको सेट होने के लिए टाइम लगता है। और देखिए, मैं इसके कट्स इस तरह से हल्के से की कर लिए मैंने। आप चाहे तो इसको और भी लंबे यानी रेक्टेंगल भी दे सकते हैं इसको। और जब आप सर्व करेंगे उस टाइम पे भी आप इस तरह से कट कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ये लिया है केसर का ये, और थोड़ा सा कलर, तो हम थोड़ा थोड़ा बीच में लगाएंगे इसको। Everybody is loving your recipe. Deepika ji is saying, wish we all can taste digitally. आई विश दैट टू दीपिका जी। आई विश कि आप सब ये रेसिपीज जितने भी बनाए हैं वो टेस्ट कर पाते, कितना मज़ा आता। मैं आप सबके साथ शेयर कर पाती। देखिए, और अब इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, बट मेरे पाउडर्ड शुगर में मैंने इलायची पाउडर मिक्स कर दिया था, तो इसलिए मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड नहीं की। लेकिन अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इंडिविजुअली थोड़ा सा जो मिक्सचर है उसी में डाल दीजिएगा। तो ये देखिए, हमारी तैयार हो गई, थोड़ी गर्म है हमारी मिठाई, मिल्क बर्फी। तो इसको 1-2 घंटे हम लोग सेट कर लेंगे। तो फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली, और आप सेफ रहिए, अच्छे से त्यौहार मनाइए, बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए। तो आई होप आपको ये ट्रेडिशनल मेरी मिठाई पसंद आई होगी। इंटरनेशनल चीज़ें तो हमेशा बनाते हैं, बट आज दिवाली थी तो हम हमारा कल्चर में जो मिठाइयाँ बनाते हैं वो तो करना ही था। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल सून, टुमारो, बाय। Balkesh ji is saying he loved the recipe. Awesome. थैंक यू And सो Meenakshi ji मच। is saying, hello. हेलो मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच बल्केश जी।